एक नोब हमेशा ओपन में जाके ग्रेनेड करता है, उससे वो ग्रेनेड को सही जगह भी नहीं फेंक पाता है और उसकी टाइमिंग भी सही नहीं कर पाता है और हमेशा हार जाता है। फिर आते हैं वो प्लेयर जिनको थोड़ा खेलना आता है, वो पीक लेके ग्रेनेड तो कर लेते हैं लेकिन उसको सही जगह पे सही टाइम पे नहीं फेंक पाते हैं और वो भी हार जाते हैं। फिर आते हैं प्रो प्लेयर जो कि सही तरीके से ग्रेनेड कर लेते हैं, कवर में रह के सही जगह पे नेट भी फेंक लेते हैं, उसकी टाइमिंग भी मैच कर लेते हैं और कोई परेशानी नहीं होती उनको और वो जीत भी जाते हैं। तो दोस्तों ओपन में जाके इस प्रकार से नेट भी नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो पीक देके ऐसे ग्रेनेड करते हैं जिससे उनका हेड तो दिख ही जाता है तो कोई फायदा होता नहीं है। तो सही तरीके में आपको कवर के पीछे रह के पहले ग्रेनेड को कुक करना है और उसके बाद लास्ट के एक दो सेकंड में ग्रेनेड को फेंकना है। एक बात और, कभी भी अगर ऐसे ग्रेनेड खींच रखा है और बैकपैक खोल दोगे तो ग्रेनेड कैंसिल हो जाएगा, तो कभी ना कभी तो ये चीज काम आ ही सकती है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। और कई बार जब आईक्यू नेट करना होता है या फिर इतनी छोटी सी जगह से ग्रेनेड करना है तो मालूम ही नहीं चलता है नेट जहां कहां रहा है, मतलब लोकेशन कैसे पता चले, तो उसके लिए सिंपल तरीका है एफपीवी में स्विच कर लें। ये जब छोटी जगहों से ग्रेनेड करते हैं ना तभी काम आने वाली है, पर हाँ अधिकतर काम आ ही जाती है। एफपीवी करके आप देख ही पाएंगे मेरी ग्रेनेड की मैं लोकेशन देख पा रहा हूं और आराम से फिर उसको थ्रो भी कर पा रहा हूं। हाँ देखो एक बात है, हर बार आई बटन से ग्रेनेड करना काम नहीं करता है। जैसे कि इस लोकेशन पे मैं यहाँ पर हूँ, मुझको घर के अंदर खिड़की में नेट करना है, तो मैं आई बटन से कितना ही ट्राई कर लूँ नहीं होने वाला। उसके लिए क्या करना है, ग्रेनेड को मुझको कुक करना है और लास्ट के एक सेकंड में स्टैंड अप होके ग्रेनेड फेंक के वापस डाउन कर लेना है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस लेगी चीज़, पर मैं आई बटन से तो कितना ही ट्राई कर लेता इसे ग्रेनेड नहीं कर पाता। एंड हाँ एक चीज का ध्यान रखना, आई बटन से अगर आप ग्रेनेड करना चाह रहे हैं तो ये बढ़िया तरीका है, बट एक चीज ध्यान रखना, केवल आपका तभी आई बटन से ग्रेनेड काम करेगा जब आप जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन पे खेलते होंगे, वरना बिना जायरो वाले या स्कोप ऑन जायरो वाला को ये चीज काम नहीं करने वाली है। एंड हाँ जो मैंने नूब और इंटरमीडिएट की चीजें बताई थी ना, वो हमेशा ही नूब और इंटरमीडिएट में नहीं रहती है, वो कभी प्रो लोग भी कर देते हैं ओपन में जाके नेट करना, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर ओपन में ही जोन बना है तो आपको ओपन से ही ग्रेनेड करना पड़ेगा, पर हाँ अधिकतर बार ट्राई करें कवर में रहकर ग्रेनेड करें और आई बटन से आप उसकी लोकेशन का भी पता लगा पाएंगे। और ग्रेनेड में हमेशा एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके नेड का एम है, जो लास्ट में लाल गोला आता है, वो कहां पर जा रहा है, वो जहां पर भी होगा आपका नेड वहीं पर जाके रुकेगा और फटेगा, और हाँ बाउंस भी कर सकता है कई सिचुएशन में। तो इसके आगे हम और एग्जांपल समझने वाले हैं और ग्रेनेड करने के लिए साउंड सेंस तो मस्ट है, तो एक बार साउंड सेंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अपने हेडफोन्स लगा लें और उसका वॉल्यूम डाउन हो तो थोड़ा सा ही कर लें, जिससे आप अच्छे से समझ पाएं कि ग्राउंड फ्लोर पे जब एनिमी होता है उसका साउंड कैसे आता है। अब सुनते हैं फर्स्ट फ्लोर वाले एनिमी का साउंड। अब बारी है सेकंड फ्लोर वाले एनिमी की। एक सच्ची बात है, मुझको भी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के एनिमी के साउंड में इतना फर्क नहीं मालूम चलता है, तो मैं कैसे पता लगाता हूँ कौन से फ्लोर पे एनिमी है। सिंपल है, जब आपके सर के ऊपर ही बंदा होता है ना तो उसका फुटस्टेप थोड़ा सा डार्क आता है, तो वो मैं मिनी मैप में देख के पहचान जाता हूँ, और अगर उसके ऊपर वाले फ्लोर पे बंदा होगा ना तो हल्का सा लाइट आएगा। ये आप हियरिंग और विजुअल की मदद से दोनों ही समझ पाएंगे, तो बड़ा आसान हो जाता है बंदों को पहचानना। और सबसे आसान है पता लगाने का छत पे जब बंदा होता है, उसका साउंड आप अलग ही पहचान जाएंगे। तो चलो ट्रेनिंग ग्राउंड में हार्ड मोड को सेलेक्ट करके अब साउंड की प्रैक्टिस करते हैं, और मुझसे पहले आप लोगों को पहचानना है बंदा किधर से आ रहा है और मुझको कहां पर ग्रेनेड करना चाहिए। एक डाउन, एक नेट वेस्ट हुआ, बट मुझको मालूम है वहीं पर बंदा है और थोड़ा डैमेज तो हुआ होगा, तो वापस वहीं नेट करते हैं। एक और डाउन, और अब नेट खत्म हो चुके हैं तो गन से ही जाके मार सकते हैं, और मुझको साउंड सेंस से ये तो मालूम है कि टॉप फ्लोर पे बंदा है, तो बड़ी आसानी के साथ मैं यहां पर जाके एनिमी को डाउन कर दूंगा। अब वीडियो में यहां तक रुके हो तो उसके लिए शुक्रिया, पर थोड़ा सा और रुक जाओ क्योंकि मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं मेरे गेम प्ले से। कुछ अलग तरीके से मैंने ग्रेनेड किया जिससे कि आपको भी कुछ और सीखने को मिलेगा। दो नॉक सामने, चलो एक स्मोक डालो पहले। तो कर दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। गाड़ी
ओ लिड कर दिए भाई तारा प्रावा। गाड़ी आया तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और उसी के साथ फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।